लाहौर में इंतजामिया की जानिब से मिनहाजुल कुरान के बैनर्स उतारे जा रहे हैं। बैनर्स उतारे जाने की फुटेज बनाने पर अहलकारों ने भागना शुरू कर दिया। मजीद जानते हैं वहां का अहवाल समक नुमाइंदे आजम मलिक से। आजम बताएगा किन इलाकों से बैनर्स उतारे गए हैं और इसकी वजह क्या बताई जा रही है। अजीत साजिद, लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों से तरीके मिनहाजुल कुरान के रहनुमाओं का कहना था कि उनके बैनर्स और बिल बोर्ड्स फाड़े जा रहे हैं और उतारे जा रहे हैं। ताहम इसके ऊपर कमीशन लाहौर ने वजाहत की कि ऐसा किसी भी जगह पर नहीं हुआ और सरकारी मशीनरी बिल्कुल इस चीज को उनके रोका जा रहा है और ऐसा कोई भी ऑर्डर नहीं किया। लेकिन आज हैरानकुन बात हुई, किनाल रोड पर PHA के मुलाजमीन सरकारी गाड़ी में बैनर्स फाड़ रहे थे, तरीके मिनहाजुल कुरान के फाड़ कर गाड़ी में रख रहे थे। जब हम लोगों ने उनका पीछा किया तो सबसे पहले तो उन्होंने गाड़ी भगा दी और गाड़ी में से उनका एक मुलाजम नीचे गिर गया स्पीड के साथ, और फिर जब हमने उस मुलाजम से बात करना चाहिए तो फिर उसने भी दौड़ लगा दी। तो ऑब्वियसली ये एक तजाद पाया जाता है पंजाब गवर्नमेंट का कि वो कहती है कि हमने इंतजामिया जिली इंतजामिया को नहीं लगाया बैनर्स और बिल बोर्ड फाड़ने के लिए, जबकि दूसरी तरफ देखा जाए तो तरीके मिनहाजुल कुरान की जो ये बात साबित होती है रहनुमाओं की कि एक तरफ ये कहा जा रहा है कि बिल बोर्ड और बैनर्स नहीं फाड़े जा रहे, जबकि दूसरी तरफ उनके बिल बोर्ड और बैनर सरकारी मशीनरी जो है वो फाड़ रही है और सरकारी गाड़ी पे लेके भाग रही है। जी बहुत शुक्रिया आजम मलिक आपका।